गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। हमने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स डिस्कस कर ली हैं। होप यू अंडरस्टैंड दोज ट्रांजेक्शन्स। एक और क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट करिए बेटा, अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए। जो क्वेश्चन हम वीडियो में डिस्कस करते हैं बेटा, वो आप रफ नोटबुक में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और जो मैं आपको असाइनमेंट भेजती हूँ, वो आप बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। पढ़िए बच्चे, आपके पास यहाँ 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको इस ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश और गुड्स से। नंबर वन आपने सीरियल नंबर में लिखा, ट्रांजेक्शन उतारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। बेटा आप ट्रांजेक्शन को थोड़ा समराइज भी कर सकते हैं। तो बच्चे, जब आप कैश और गुड्स बिजनेस में लेकर आए, तो आपका कैश आ गया बिजनेस में, करेक्ट। गुड्स आ गए बिजनेस में और क्या बढ़ गई, कैपिटल। तो कैश कितने का हुआ बेटा, 50,000। गुड्स कितने के हुए बच्चे, 20,000। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, आप ज़ीरो दिखा सकते हैं बेटा इसके लिए। और टोटल अमाउंट कैपिटल में डाल दीजिए कितना, 70,000। आप विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर एक लाइन खींचिए। ऑल राइट, यहाँ बच्चे आप वर्ड लिखिए इक्वेशन। 50,000 कैश, 20,000 गुड्स मेरे बच्चे, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, और 70,000 का क्या है आपकी, कैपिटल। नाउ राइट डाउन ट्रांजेक्शन नंबर 2। बोट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। कैश परचेजेस है 15,000 की और क्रेडिट परचेजेस है बेटा 10,000 की। तो क्या इफेक्ट हुआ, गुड्स आ गए आपके पास 25,000 के। ऑल राइट, 15,000 का बच्चे कैश चला गया और 10,000 की पेमेंट अभी क्रेडिटर्स को ड्यू है, तो 10,000 के लायबिलिटीज में क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर्स। बोथ गुड्स फॉर कैश, राइट डाउन कैश भी कितने हैं 15 और क्रेडिट कितने हैं बच्चे 10,000। तो 25,000 के हमारे पास गुड्स आ गए, 15,000 का कैश चला गया और 10,000 लायबिलिटी में लिखी है बेटा, क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर्स। चलिए लिखिए यहाँ पर क्या, न्यू इक्वेशन। क्या हुई बेटा न्यू इक्वेशन, 50,000 माइनस 15,000, कैश रिमेंस 35, गुड्स 45 इज इक्वल टू 10,000 क्रेडिटर्स एंड 70,000 बच्चे कैपिटल। कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 3। लाइन लगाइए बच्चे यहाँ पर, नहीं क्या है आगे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 24,000 के गुड्स 1/3 के क्या हुए हैं, प्रॉफिट पे सेल हुए हैं और हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हुई है। बेटा हम इस चीज़ को समझते हैं, 24,000 के गुड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको 33 1/3% लिखना सिखाती हूँ बेटा, 100/3 हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हुआ 1/3। 24,000 के गुड्स 1/3 का प्रॉफिट, 1/3 का प्रॉफिट कितना हो गया, 24 का 1/3 8,000, मतलब कितने की सेल है 32,000। हाफ पेमेंट रिसीव इन कैश, हाफ कितना हो गया बेटा 16,000 का, तो क्या आ गया कैश, और 16,000 कैसे होंगे, डेफिनेटली हाफ कैश है तो हाफ क्रेडिट है, जिनसे पैसा लेना होता है उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर्स।
तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा? 24,000 के तो गुड्स चले जाएंगे, करेक्ट? ऑल राइट बेटा, 16,000 कैश में प्लस हो जाएगा, 16,000 डेटर्स में चला जाएगा, और 8,000 का क्या है? प्रॉफिट, जो कि कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। गॉट इट? अगेन, 24,000 की गुड्स, 1/3 का प्रॉफिट, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। 24 का 1/3 हो गया बेटा 8,000, सेल कितनी हो गई? 32, हाफ कितना हो गया? 16, हाफ कैश हाफ क्रेडिट। तो इसको हम पोस्ट करते हैं बेटा। क्या गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000, 1/3 का प्रॉफिट, हाफ कैश आप पूरा लिखेंगे एंड हाफ क्या है बेटा? क्रेडिट है, ठीक है? तो आपके गुड्स कितने के गए? 24, करेक्ट। आप ही देखा आपने ना, 32 का आधा, 16 का क्या आ गया बेटा? कैश आ गया। डेटर्स क्रिएट हो गए कितने के? 16, बिल्कुल करेक्ट। और बच्चे साथ में क्या आ गया आपके पास? साथ में आया बच्चे आपके पास 8,000 का क्या? प्रॉफिट। ऑल राइट, क्या बन गई आपकी न्यू इक्वेशन बताइए बेटा? 35,000 था आपका कैश, 16 और आया कैश, तो कितना हो गया? 51,000। 24 के गुड्स चले गए, तो कितने के गुड्स रह गए बेटा? 21,000। और 16,000 का बच्चे क्या क्रिएट हो गए? हमारे डेटर्स। ऑल राइट, 10,000 के हमारे क्रेडिटर और 78,000 की हमारी कैपिटल। कम टू फोर्थ इक्वेशन, ट्रांजेक्शन। परचेज किया है फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए 6,000 और हाउस होल्ड यूज के लिए बच्चे 4,000। आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, पहले आप इस ट्रांजेक्शन को ऑफिस यूज के लिए क्या परचेज किया है? फर्नीचर। मैम, जब हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा तो हमारा कैश चला गया, और क्या आ गया बिजनेस में? एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्नीचर आ गया कितने का? 6,000। ऑलराइट, एक फर्नीचर आपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए खरीदा है, तो क्या होगा बेटा? कैश चला गया, और क्या बोलते हैं इसे? ड्रॉइंग। तो हम एक साथ भी कर सकते थे क्या? 10,000 का बच्चे कैश चला गया, 6,000 का फर्नीचर आ गया, और 4,000 किस में बेटा? कैपिटल में से माइनस कर देते। यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए? नेट बैलेंस। 51,000 में से 10,000 का कैश चला गया, कितना रह गया? 41,000। 21,000 के गुड्स हैं बेटा, 16 का आपके पास डेटर्स है, 6 का फर्नीचर है, 10 के क्रेडिटर्स हैं, और 74,000 की क्या है बेटा? लायबिलिटी है। गॉट इट? तो यहां पर हमने इन चारों ट्रांजेक्शन को समझा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। यहां पर आज मैं आपको नया क्या सिखा रही हूं कि किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, क्या होती है ओपनिंग कैपिटल और क्या होती है बच्चे क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होती है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बिगनिंग में, ऑल राइट, जो लास्ट में हमारे पास बढ़ जाती है, एट द एंड हमारे पास बच जाती है बच्चे, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो जितनी ओपनिंग कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई, उसमें एडिशनल कैपिटल और कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, कितना उसमें से विड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए, ऐसा करने से आप किस पर पहुंच जाते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या फॉर्मूला हुआ बच्चे क्लोजिंग कैपिटल का? लर्न करो मेरे साथ। ओपनिंग कैपिटल ऐड एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस ड्रॉइंग ऐड प्रॉफिट और लॉस, कहाँ पहुँच गए? क्लोजिंग कैपिटल। ऑल राइट बच्चे, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चल रही है जरा मुझे बता, रिवाइज करा दीजिए।
असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा कैपिटल के दूसरे नेम क्या है? मैम कैपिटल को नेटवर्थ बोलते हैं, कैपिटल को बच्चे ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। ऑल राइट बेटा, आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारे पास असेट्स हैं 2 लाख के, नेटवर्थ है 150। नेटवर्थ मीन्स बच्चे कैपिटल। हमें क्या निकालने हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है हमें फाइंड आउट करनी है लाइबिलिटी। इक्वेशन लिखते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स कितने हैं बच्चे हमारे पास? 2 लाख। लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हमें पता नहीं है, और नेटवर्थ कितनी है? 1,50,000। तो यहाँ से बच्चे लाइबिलिटीज आ गई 50,000। इस लाइबिलिटी को ही हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स हैं। ऑल राइट, गॉट इट। आगे चलते हैं। ए ने कमेंस किया बिजनेस 5 लाख से 1 अप्रैल 2011 में। तो बच्चे ये कौन सी कैपिटल हो गई? एब्सोल्युटली करेक्ट, ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च को मतलब ईयर एंड में असेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है? 7 लाख। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। बेटा इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितनी बता रखी है? 5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल राइट, यहाँ पर मैं इक्वेशन लगा सकती हूँ क्या? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपके पास क्लोजिंग असेट्स गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज गिवन है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल। तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 7,80,000 में से आप 7 लाख क्या कर दीजिए, आप 7 लाख क्या कर दीजिए माइनस, तो आपकी कैपिटल कितनी आ रही है? 80,000। बेटा यहाँ पर मैंने लाइबिलिटीज़ कम करती हूँ थोड़ी, कितनी ले रही हूँ? 70,000। 70,000 लाइबिलिटीज़ कर लीजिए आप भी। ऑल राइट बेटा, 780 माइनस 70,000, यहाँ पर आपकी कैपिटल कितनी आ गई? 7,10,000। ऑल राइट बच्चे, ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल असेट्स और लाइबिलिटीज़ की हेल्प से मैंने फाइंड आउट कर दी। ये लाइबिलिटीज़ की फिगर 70 कर लीजिए, 780 माइनस 70, 7,10,000। अब क्या निकालना है बच्चे? प्रॉफिट। ऊपर देखिए, मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। मेरे पास एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया? बेटा क्या फॉर्मूला बन गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल हटा दो, ड्राइंग्स हटा दो, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे अब क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? करेक्ट, 5 लाख। प्रॉफिट मुझे निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 7,10,000। तो देयरफॉर बच्चे प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,10,000 माइनस 5 लाख, डेट इज 2,10,000। तो यहाँ पर हम दो इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, एक एलजेब्रिक इक्वेशन जो हमने डिस्कस करी थी पहले, एक क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तरीका। फिर से सुनिए, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड कीजिए, ड्राइंग्स को माइनस कीजिए, प्रॉफिट को ऐड कीजिए, लॉस को माइनस कीजिए, बेटा आप कहाँ पहुँच जाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आपके पास 1 अप्रैल 2011 को कैपिटल गिवन थी, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च को आपको पास असेट्स और लाइबिलिटी गिवन है, जिससे आपने क्या निकाल लिया? कैपिटल। अब आपके पास बच्चे ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, आपको प्रॉफिट निकालना है। स्लाइड के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग एट प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, तो क्या फॉर्मूला हो गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग को ओपनिंग की जगह रखिए, प्रॉफिट
प्रॉफिट लिखिए उसे और क्लोजिंग कैपिटल की फिगर लिखिए। जो डिफरेंस आएगा बेटा क्या है वो प्रॉफिट। इसको इंटरप्रिटेट कीजिए बच्चे। 5 लाख की कैपिटल थी आपकी बिगनिंग में, 2 10 का बच्चे आपने क्या कमाया? प्रॉफिट। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख 10 थाउजेंड। ऑल राइट, प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इन्हांस हो गई। शेल वी मूव फर्दर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। पढ़िए बच्चे, इस क्वेश्चन से आपको पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। स्लाइड के ऊपर सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ कि हम क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे पहुँचते हैं। ओपनिंग कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल, ऑल राइट, माइनस ड्रॉइंग्स एट प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। पढ़िए बच्चे, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/2011 विद अ कैपिटल ऑफ 7,50,000। बेटा ये कैपिटल कौन सी है आप मुझे सोच के बताएं। फर्स्ट फोर ईयर के बिगनिंग की है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल। एक लोन लिया है 2 लाख का पीएनबी से, पीएनबी इज पंजाब नेशनल बैंक। आपने एक बैंक से लोन लिया है तो लोन क्या है बेटा? करेक्ट, आपकी लायबिलिटी है। कब लिया है? ईयर एंड में। आपके असेट्स हैं ईयर एंड में कितने बच्चे? 15 लाख। ये दोनों चीजें आपकी ईयर एंड में गिवन है। आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लगाकर क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। यस बेटा, आपके पास असेट्स और लायबिलिटी गिवन है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स कितने हैं? करेक्ट, 15 लाख। लायबिलिटी एक ही है बच्चे, कितनी? 2 लाख। तो कैपिटल कितनी आ गई? 15 माइनस 2, हमारी कैपिटल आ गई बच्चे 13 लाख। कोई डाउट? क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख। तो मैं यहाँ फैक्ट्स लिख रही हूँ, मेरे पास क्या है? ओपनिंग कैपिटल 750 है, क्लोजिंग कैपिटल बच्चे कितनी है? 13 लाख। अगेन इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल और कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, तो प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग कैपिटल उठाओ, प्रॉफिट्स ऐड करो, क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल बच्चे हमारे पास कितनी गिवन है? 7,50,000। प्रॉफिट हमें पता नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने निकाली कितनी? 13 लाख। तो देयरफॉर बच्चे प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे? 13 लाख में से 750 क्या कर दीजिए? माइनस, तो प्रॉफिट आ गए बच्चे 5,50,000। गॉट इट? इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैंने इलेबोरेट किया है, एक्सपेंड किया है। इसी इलुस्ट्रेशन में प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है और विड्रॉ किया है बेटा कितना? 40,000 फॉर पर्सनल यूज। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो मैं फैक्ट्स दोबारा से लिखती हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन ही यूज़ करना है। ओपनिंग कैपिटल है मेरे बच्चे 7,50,000। क्लोजिंग कैपिटल है बेटा इसमें कितनी? अभी आपने निकाली थी, बिल्कुल करेक्ट, 13 लाख। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, अभी आपने देखा एडिशनल कैपिटल कितनी है? 1,25,000। और इसमें ड्रॉइंग्स गिवन है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज 40,000। शैल वी प्रोसीड? हमारा फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कीजिए एडिशनल कैपिटल, माइनस कीजिए ड्रॉइंग्स, ऐड कीजिए प्रॉफिट, क्या निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल। नाउ पुट द फिगर्स। ओपनिंग कैपिटल इज करेक्ट 750, एडिशनल कैपिटल इज 125, ड्रॉइंग्स इज 40,000, प्रॉफिट
वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 13 लाख. तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 13 लाख प्लस 40,000 माइनस 125 माइनस 7,50,000. तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4,65,000. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, सिर्फ दो ही इक्वेशन पे क्वेश्चन डिस्कस किए, वो आप नोट कर लीजिए. असेट्स माइनस असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे. बेटा आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करी ना, अब इन ट्रांजेक्शन्स में से मुझे बताएं, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसमें एक असेट इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा असेट डिक्रीज हो रहा हो. एक एक मैं डिस्कस करती हूँ, एक आप मुझे इवनिंग तक इसी क्वेश्चन में और एग्जाम्पल लेकर सेंड करना व्हाट्सएप पे कि आपने क्या सोचा. लेट अस सपोज मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है, परचेज मशीनरी रुपीस 5 लाख. तो क्या हुआ बच्चे, मशीनरी एक असेट है, ऐड हो गया, और कैश के बदले खरीदी, कैश भी एक असेट है, तो क्या हुआ माइनस. तो यहाँ एक असेट इंक्रीज हो रहा है और एक असेट डिक्रीज हो रहा है. अब आप ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आप सोचिए, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, असेट साइड पर भी इंक्रीज हो रहा और लाइबिलिटी. तो मैं लिख देती हूँ कि जो आपने मशीनरी खरीदी है वो कैसे खरीदी है, क्रेडिट. तो क्या होगा बच्चे, असेट साइड में मशीनरी ऐड हो जाएगी कितने से, 5 लाख से, पर अभी इनकी पेमेंट नहीं हुई तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने से बच्चे, 5 लाख से. तो आप क्या देख रहे हैं, एक असेट बढ़ रहा है और एक लाइबिलिटी बढ़ रही है. थर्ड पे आइए, एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें असेट इंक्रीज हो रहा हो और ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही हो. बेटा फर्स्ट ही जब आप बिजनेस कमेंस करते हैं कैश से, तो आपकी कैश बढ़ जाती है, असेट बढ़ जाता है, और साथ में क्या बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाती है ना बेटा. तो बच्चे एक साइड पे असेट बढ़ गए और दूसरी साइड पे कैपिटल. डिक्रीज हो जाए असेट्स, डिक्रीज हो जाए लाइबिलिटी, एक असेट डिक्रीज हो जाए और एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, बेटा आप क्या करो, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दो. अगर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो कैश चला जाएगा, मतलब असेट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और साथ में क्रेडिटर्स लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज. तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया जहाँ पर बच्चे आपका एक असेट डिक्रीज हो रहा है और एक लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है. एक ऐसा एग्जाम्पल लिखिए, असेट्स डिक्रीज हो रहा हो और ऑनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही हो. यस बेटा, लेट अस सपोज आपने ड्राइंग्स करी हैं कैश में, तो क्या होगा मेरे बच्चे, कैश असेट है, कैश चला जाएगा, कैपिटल में से क्या होगा, माइनस. तो कैश का जाना असेट को डिक्रीज कर रहा है और कैपिटल्स को कम होना ऑनर्स कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई. तो यहाँ पर मैंने अभी आपसे एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, आप और एग्जाम्पल्स इसके अपने आप बनाओ और मुझे व्हाट्सअप करो. ऑलराइट बच्चे, आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम कुछ डेबिट और क्रेडिट से के रूल सीखेंगे. बेटा आज की असाइनमेंट आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगी अप टू इवनिंग, वह फेयर नोटबुक में कीजिए, डाउट्स लीजिए. बेटा ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है, इसमें आपको स्टार्टिंग से हार्डवर्क करना पड़ेगा. बेटा आपके पास कभी भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम. ऑलराइट बच्चे, अपनी क्वेरी व्हाट्सअप करो, बेटा मैं टाइमली आपको रिप्लाई करूँगी. ओके फ्रेंड्स, have a nice day.